मालिक अभी घर में ही है। तुमने सिंगे की आवाज नहीं सुनी? सुनने से क्या हुआ, मैं कहता हूँ मालिक अभी घर से निकले भी नहीं। पर मैंने तुम्हें घर से निकलते अपनी आँखों से देखा है। देखा होगा, पर मैं जो कहता हूँ बात वही सच्चा है, मालिक घर में ही है। नहीं है, अगर इस बहस में झगड़ा हो पड़े तो मेरा दोष नहीं, क्योंकि मैंने मेल की कसम नहीं खाई है। पर मेरा कहना तो मानना ही पड़ेगा, वरना खतावार समझे जाओगे। तुम्हारा कहना खतावार? हाँ, मेरा कहना मानना ही पड़ेगा। हार में जा तुम्हारा कहना। देख, आपस के मेल तो न भूल। तो क्या मैं उसे चुपचाप मान लूँ? जरूर। बड़े होशियार हो, तब मेरी तुम्हारी नहीं पटेगी। पटेगी क्यों नहीं, मेरी बात पूरी होनी चाहिए। है मुझे ठाकुर ईश्वर सिंह। अभी झगड़े को यहीं खत्म कर दो। मगर जहाँ से बाकी रह गया है, कल फिर वहीं से शुरू करके नतीजे पर पहुंचेंगे। अभी इधर से। ये तो रोज का ही झगड़ा है। पिताजी आया? हाँ बेटे, ये लो, ये भी आ गए मजलसी भांड। ये भी मानसिंह जी के खुशामत पेशा सरदार हैं। इनके बिना तो जैसे मजलिस में मजा ही नहीं आता। तारा, बेटी मुझे किस लिए बुलाया? पिताजी, आपकी एक केसर बड़ी नटखट है, जिस काम को कहती हूँ उसे उल्टा ही काम करती है। जाने दे बेटी, वो अठियालड़ है। हाँ, ये तो बता, यहाँ किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं पिताजी, यहाँ सब ठीक है। पिताजी, पिताजी आइए। बलदेव जी। जी जी, ये लो, बलदेव जी भी आ गए। पिताजी, अब आप बाहर जाइए, अपना काम देखिए, मुझे बहुत सा काम है, और जीजी को भी अकेले में एक काम करना है। तारा जीजी, तेरे होने वाले दूल्हे आए हैं। बलदेव जी, कहिए, अच्छे हैं? बड़ों के आशीर्वाद से सब कुशल है। सयाने हैं अपने तेज ताप और बल से विपद घटा को दूर हटा, वैरी दल का नाम मिटा कर आदि मानो वीर छटा। ठाकुर ईश्वर सिंह जी, आपने तो मेरे सम्मान के लिए बड़े भारी उत्सव की तैयारी कर डाली। आपकी ये व्यवहार चतुरता देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। धन्यवाद। बात यह है प्रजापति जी, कि विजयी वीरों का सत्कार करने से वीरों को बड़ी खुशी होती है। इसके सिवा इस तरह के उत्सवों से ये भी मालूम होता है कि अपने प्रजापति और सब सरदारों में आपस में मेल और प्रेम का भाव है। अच्छा अच्छा, तो मेरी समझ में एक जगह बैठे रहने से जरा इधर उधर घूम फिर कर
सबका समाचार ले लेना अच्छा होगा। जैसे आपकी इच्छा। तुम्हें एक प्याला शरबत और लेना चाहिए। बस तबीयत भर चुकी। बलदेव सिंह, ठाकुर करण सिंह ने यह चिट्ठी भेजी है। क्या लिखा है उसे जरा सबको पढ़कर सुना दो। हथ पर हमेशा फिसाद करने वाले दुश्मनों ने शरण में आकर माफी मांग ली। अब वो कभी झगड़ा फिसाद न करेंगे। अपने प्रजापति मानसिंह जी के नाम का डर सब पर बुरी तरह छा गया है। अब कमलपुर के सारे सरदार और प्रजा को तसल्ली हो गई है। सभी प्रजापति मानसिंह की जय जयकार मनाते हैं। मैं जल्द ही हाजिर होकर सेवा में सारा हाल बयान करूंगा। करण सिंह को हद पर भेजने की मेरी बात का जो लोग उस वक्त विरोध करते थे, वे अब कान खोलकर इस समाचार को सुन लें। और मानसिंह के नाम की धौंस कितनी जबरदस्त है यह भी अच्छी तरह जान लें। दुश्मन सहज में ही हार नहीं मान लेते। ऐसे प्रजापति की तो सदा जय जयकार होनी चाहिए। इस तरह नहीं, श्रीमान प्रजापति मान्यवर मानसिंह जी का जय जयकार हमेशा होना चाहिए। कमलपुर की प्रजा का ये अहोभाग्य है कि उन्हें ऐसे वीर बहादुर प्रजापति मिले। हम सब में जो आपस का मेल है उसकी दहशत भी दुश्मनों पर कुछ कम नहीं है। ये दुरुस्त है, पर उस मेल का दारोमदार किस पर है? मानसिंह पर। लोगों का आपसी मेल और अपने मुखिया की बहादुरी, ये दोनों ही बातें देश की रक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन प्रजापति की वीरता का जो गौरव है उसकी बराबरी खाली लोगों का मेल नहीं कर सकता। जाने दीजिए इस बहस को, बातों बातों में बात क्यों बढ़ाते हैं? अगर बात का नतीजा न निकला तो मेरी बात की कीमत ही क्या? हुजूर का कलाम एकदम दुरुस्त है। बोलो, प्रजापत मान सिंह जी का जय जयकार हो। क्या हो रहा है, सुनते नहीं? प्रजापति मान सिंह जी का जय जयकार हो। अपने प्रजापत की जयकार करते हुए क्या शर्म मालूम होती थी? अगर आज मान सिंह तुम लोगों के ऊपर से अपनी तलवार का साया हटा ले तो क्या हालत हो जाएगी उस वक्त, मालूम है तुम्हें? एक एक आदमी की जान के लाले पड़ जाएंगे, सारा देश उजाड़ हो जाएगा। चल, आज तो तुझे गाना गाना ही पड़ेगा। बात तो मैं तुम्हारी जरूर रख देती, पर क्या करूं? आज तो गला बैठा हुआ है। अरे नखरे क्यों करती है? गाने को कहा तो गला बैठने का बहाना कर दिया। नखरा और बहाना कैसा, बिना इसके तो गवियों को गाने में मजा ही नहीं आ सकता। अरे तारामती, तू ही जरा अपने इस नखरेबाज बहन की खुशामद कर दे। अच्छा। आज सखी क्या बहार है,
क्या बहार है, क्या बहार है, निगार है, आज क्या बहार है, क्या बहार है, क्या बहार है, निगार है। सुंदर गाना था, किसने गाया? मेरी छोटी लड़की ने। किसने गाया पहचाना? औरत ने। आखिर आंधी जी ने ठहरे? अच्छा तो आदमी ने। ये भी गलत। तो क्या जानवर ने गाया? जानवर को जानवर ही तो मालूम होगा। पहचाना पहचाना, ये गाना पखरू का था। अरे अकल की कीचड़, आदमी ने गाया, आदमी ने। ये तो मैंने शुरू में ही कहा था। हुजूर का कला, ये धक्का किसने मारा? भीतर कौन है? हाँ हाँ, भीतर जनाना है प्रजापति जी, हमें इधर ही रहना चाहिए। भीतर जनाना है यह मैं भी जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं भीतर जरूर जाऊंगा। मान सिंह जी, वहाँ अपनी ही बहु बहने हैं। यह मैं कुछ नहीं जानना चाहता। प्रजापति की ये बात अनुचित है। मेरी बात अनुचित? मैं भीतर गए बिना कभी नहीं मानूंगा। हटो एक तरफ। ये हद कभी पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ अकेले मेरी इज्जत का ही सवाल नहीं, सभी सरदारों की इज्जत का सवाल है। लेकिन मेरी बात पूरी होनी ही चाहिए। नहीं, 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 हमें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्त्रियों को देखने की हिमाकत करने वाले की आंखें फोड़ दी जाती हैं। इस जिद को छोड़ दे, एक तरफ हो जा। मेरे खिलाफ तुम सभी मिलकर बगावत करने लगे, क्या मेरी बात खाली ही जाएगी? ऐसा कभी न होगा। अब जो कोई मेरे आगे बोलेगा तो हमने भी कोई भेड़ बकरी का दूध नहीं पिया है। सरदार हो, शांत हो, शांत हो। मानसिंह जी, आप भी शांत होइए। इस पर्दे के बिना हटे मेरी तलवार म्यान में नहीं जाएगी। मानसिंह जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप समझ से काम लें। पर्दा एक तरफ कर दो, फिर समझ की दोहाई देना। मानसिंह अपनी बात पूरी किए बिना पीछे कदम नहीं हटाएगा। तो अभी खून की नदी बह निकलेगी। बहने दो। ठहरो, खून न बहाओ, मानसिंह जी को भीतर आने दो। आपको मेरा धक्का लगा,
पर्दे के भीतर मैं थी। देख लिया आपने, बात पूरी हो गई आपकी? क्या राजपूती रिवाज को तोड़कर मेरी सूरत भी देखना चाहते हैं? बस मेरी बात पूरी हो गई। मेरी बात पूरी हो गई, ये कहना क्या वीरों को शोभा देता है? आपको इसकी शर्म आनी चाहिए। इस सवाल का जवाब तुझे नहीं, वक्त आने पर तेरे बड़ों को दिया जाएगा। ये तो बड़ा भारी गजब हो गया। ऐसे हैवान मुखिया की हमें कतई जरूरत नहीं है। ये तो सरासर गुंडापन है। मुखिया को भला मानुस होना चाहिए। ठाकरा, मानसिंह के प्रजापतपन को हम नामंजूर करते हैं। हमने ही उसे प्रजापत बनाया था और ये पद उससे छीन लेने का भी हम ही को अधिकार है। इस तरह एकाएक जल्दबाजी न करो। काकाजी, उत्सव को पूरा करने के लिए मैं प्रजापति को अपने साथ दोबारा लाऊंगा। जी जी, तूने बड़ी गलती की। भला उस रूष के सामने तू क्यों चली गई? केसर, तू अभी नादान है, वो गलती नहीं। अगर मैं उसके सामने न जाती तो बात की बात में अपना घर लड़ाई का मैदान बन जाता। या सारे देश को जला डालती। हाँ हाँ, मालूम है। मानसिंह जैसा बदमिजाज और जानवर मुखिया अपनी मूर्खता से एक दिन देश को बर्बाद कर डालेगा। मानसिंह जी, तुम मुझे समझाने आए हो? मैं कुछ भी समझना नहीं चाहता। पर मैं तो दोस्त की हैसियत से आया हूं। बस आगे एक शब्द भी न कहना। मुझे सम्मान सत्कार नहीं चाहिए। मैं भी तुमसे दोस्त की हैसियत से सीधी तरह कह रहा हूं कि यहां से चले जाओ। पर देखिए तो, आपका यह गुस्सा अपने मेल के सिद्धांत को धक्का पहुंचाएगा। मुझे इसकी कुछ परवाह नहीं है। लेकिन इस फूट का दुश्मन फायदा उठा लेंगे। उन्हें मैं समझ लूंगा। तुम अकेले ही? हाँ हाँ, अकेला ही। अब ज्यादा बकवास न करो, जितनी जल्दी हो मेरे सामने से चले जाओ। जल्दी ही कुछ न कुछ तय हो जाना चाहिए, वरना प्रजापति के गुस्से की ये आग अर्थ का अनर्थ कर डालेगी। हाँ, क्या मानसिंह ने आना नामंजूर कर दिया? मैं तो पहले से ही जानता था कि वो कभी नहीं आएगा। कितनी जरा सी बात पर वो तलवार निकाल बैठा, हम लोगों की इज्जत लेने को तैयार हो गया। अगर तारा ने बुद्धिमानी न की होती तो सारा देश आज ही तबाह हो चुका था। हमें ऐसा मुखिया हरगिज नहीं चाहिए। पर भाइयों, अपनी और अपने देश की जरूरत को देखते हुए प्रजापति की आज की गलती को भुला देना ही ठीक होगा। बलदेव जी, आपकी इस नरमी से ही तो उसका दिमाग सातवें आसमान से बातें करने लगा है। अकेले मानसिंह की बहादुरी इस देश की रक्षा नहीं कर रही, हम सबका मेल भी उसके पीछे है। इतने देहवाज मुखिया की हमें कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों का कहना ठीक है। तो अपने बल की धौंसी दुश्मनों पर से उठ जाइए। मैं भी नहीं चाहता कि किसी एक व्यक्ति को समाज से बड़ा मान लिया जाए। ये निसंदेह ठीक है कि उसके जैसा वीर बहादुर मुखिया मिलना दुश्वार। अगर कोई दूसरा ऐसा आदमी होता तो इस आईवी को हम अपना मुखिया ही क्यों बनाते? आपका कहना एकदम दुरुस्त है, पर आखिर हम भी तो आदमी ही हैं, हमारे बर्दाश्त की भी तो कोई हद है। वरना बराबर इसी तरह के वाक्य दरपेश हुआ करेंगे। एक तो मुखिया मिजाज का पाजी, उस पर उसका शैतान साथी करण सिंह आने वाला है। ये मुखिया बदलना ही चाहिए। फिर भी भाइयों,
एक के नुकसान को भूलकर अनेक का फायदा जरूर देखना चाहिए। बेइज्जती तो मेरी हुई है, मैं उसे बर्दाश्त किए लेता हूं, पर इस समय मानसिंह को हटाना देश के लिए खतरा साबित हो। विचार ही करना है तो ऐसा कीजिए कि सांप भी मर जाए और लाठी न टूटे। मुखिया की ऐसी बेइंसाफियों को चुपचाप दबा देना अच्छा नहीं है। बेइंसाफी वो जानबूझकर नहीं करता, ये तो उसकी आदत का खोट है। इस आदत के बदल जाने से ही मानसिंह कुंदन की तरह बेशकीमत साबित हो जाएगा। वाह, क्या मौके की बात कही है। तो काका जी, आदत बदलने की तरकीब? तरकीब ये है कि मर्द के गुस्से को स्त्री की शांत मूर्ति बड़ी आसानी से ठंडा कर सकती है। पर उसके तो कोई है ही नहीं, न माँ और न स्त्री। माँ के मर जाने से तो वो कुआरा ही रह गया, शादी करता ही कौन। तो हम लोग मिलकर जबरदस्ती उसे सत्ता बना दे। भाइयों, ये वक्त हंसी दिल्लगी का नहीं है। विचारना ये चाहिए कि मानसिंह को बिना अलग किए उसकी बहादुरी से अपने देश को किस तरह फायदा पहुंचाया जाए। तब तो ईश्वर सिंह जी ने कह दिया कि पुरुष की भयानकता को शांति में बदल देने वाली एकमात्र स्त्री होती है। तो आप में से भी एक न एक कन्या अवश्य होगी जिसे मानसिंह को ब्याह सके। कौन सा कसाई बाप उसके गुस्से की आग में अपनी लड़की का होम करेगा। पर यह सवाल देश की रक्षा का है। नहीं नहीं, हम इतना नादान नहीं है। तब तो बड़ी कठिन पहेली है, इसको किस तरह हल किया जाएगा। वहाँ तो मजे के फव्वारे छूट रहे हैं और तू यहाँ के लिए चुपचाप खड़ी है। चल तू भी वहाँ। तुम तो मजे में मस्त हो, पर तुम नहीं देखती कि बाहर क्या हो रहा है। क्या हो रहा है बाहर? हमारे बंधु बांधव, देश को किस तरह मौत के मुंह से बचाया जाए, इस पहेली पर विचार कर रहे। ये मर्दों का काम हुआ ही करता है। और हम औरतों का उससे कुछ भी वास्ता नहीं है। है क्यों नहीं, जब तक खोलकर नहीं कहोगी तो हम समझेंगी ही कैसे। तो बहनों, बात यह है कि अपने मुखिया की बदमिजाजी से देश के सारे लोग नाखुश हैं, पर वो उसे बदलना भी नहीं चाहते, क्योंकि उसके बल पौरुष की देश रक्षा के लिए जरूरत है। बाहर कोई भी बाप उसे अपनी कन्या देना नहीं चाहता। क्या तुम में से कोई देश के लिए ये बलिदान कर सकती है? उस जैसे खूंखार से मैं तो कभी नहीं ब्याह करूंगी। उस जानवर के साथ भला कौन अपना कर्म फोड़ने के लिए ब्याह करेगा। उससे शादी करने से तो अच्छा अपने को मार डालना है। तब तो ये साबित हुआ कि देश में खाली मर्द ही रहते हैं, उसकी सुख शांति केवल मर्दों के लिए ही है। औरतें मानो कुछ भी फायदा नहीं उठाते। चलो 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 चलो
दूसरों को नसीहत और खुद को फजीहत, यदि इतनी सुदेश भक्ति है तो खुद ही क्यों नहीं शादी कर लेती। अपनी बहन को ही क्यों नहीं ब्याह करने के लिए मजबूर करती। अरे इसकी सगाई तो बलदेव के साथ तय पा चुकी है ना। तनिक बलदेव जी को बुला दे। क्यों करे तू स्वार्थ का शो, मंगल त्याग प्रसाद से सुख पावेंगे लो। रमाना जग में सच्चा सुख ये सच्ची ईश्वर पूजा है, सच्ची ईश्वर पूजा है। परहित पर स्वार्थ बलि करने सा, परहित पर स्वार्थ बलि करने सा, न पुण्य दूजा है। परहित पर स्वार्थ बलि करने सा, न पुण्य दूजा है। तारा मुझे किस लिए बुलाया, मुंह क्यों फिरा लिया, आज बोलते क्यों नहीं, क्या मुझसे नाराज हो। हाँ, समझा। मानसिंह की बातों का बुरा मान गई। रजपूत वीर, आज मुझे तुमसे कुछ मांगना है। जब हृदय ही तुम्हारा हो चुका है तो और देने को मेरे पास रहा ही क्या है। मैं हंसी नहीं कर रही हूँ, आज सचमुच आपसे एक वचन की भीख मांगूंगी। कैसा वचन चाहती हो। वचन मिल जाने पर बताऊंगी। अच्छा दिया वचन, कहो क्या चाहती हो। यही कि जननी जन्मभूमि के लिए आपको कुछ त्याग करना पड़े तो। सच्चे देशभक्त जरूरत पड़ने पर अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते। देश की रक्षा के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो प्राणों की जरूरत नहीं है वीर, केवल अपनी एक प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। इस जगत में मेरी दो ही प्रिय वस्तु हैं, एक जन्मभूमि और दूसरी तुम। तो आपको पहली प्यारी जन्मभूमि के लिए दूसरी वस्तु का त्याग करना होगा। मैं मानसिंह से विवाह करना चाहती हूँ। तुम, ये तुमने क्या कह दिया। तुम्हारे बिना तो
मेरे लिए सारा संसार अंधकार हो जाएगा, जीना ही दुश्वार हो जाएगा। क्षत्रियों का बचत एक ही होता है। जन्मभूमि करनी जवै भव किया, ममता सागर तोड़ प्रभो दो अपने धीरज का प्रसार, धीरज का नहीं हूं दीदी। तुम मुझे न मिलो तो उसका इतना दुख मुझे नहीं होगा, लेकिन उस क्रोध की साक्षात मूर्ति मानसिंह से विवाह करके तुम्हारा सारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। देश की बर्बादी के आगे मेरी बर्बादी कुछ नहीं है। हे भगवान एकलिंग जी, ये तुमने क्या कर डाला? तारा, तो क्या तुम्हारा ये संकल्प पक्का है? ये न समझना कि तुम ही मुझे प्यार करते हो, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। प्यार करती हूँ, लेकिन तुमसे भी मुझे अपनी जन्मभूमि ज्यादा प्यारी है, इसलिए अपना ये प्यार जन्मभूमि पर ही कुर्बान कर देना चाहिए। अगर ऐसा ही है तो जाओ सती, मैं तुम्हारे इस काम में रुकावट नहीं डालूंगा। जय शंकर प्रभु एकलिंग जी, होवे भंडारा भरपूर, एक तुम्हारी परम कृपा से हुआ हमारा संकट दूर। मैं ये चाहता हूं कि जिस महान कार्य को करने के लिए तुमने ये त्याग स्वीकार किया है, ईश्वर उसके लिए तुम्हें बल दे। तब आज से मेरा तुम्हारा संबंध भाई बहन का ही रहा ना? तुम्हारी जैसी आदर्श नारी का भाई बनते हुए भला कौन अपने को भाग्यशाली न समझेगा? Thank you.
जी जी, ये तूने क्या किया? बाहर बलदेव जी पिताजी से कह रहे हैं कि तूने मानसिंह से विवाह करने का निश्चय कर लिया है, क्या ये सच है? हाँ सच है। उससे शादी करके तेरा जीवन धूल में मिल जाएगा, मैं ये विवाह कभी नहीं होने दूंगी। नहीं केसर, तू इस बात का महत्व नहीं समझ सकती। तेरा ख्याल होगा कि ये विवाह मैं मुखिया की रानी को मिलने वाले सुखों के लालच से कर रही हूँ। मैं ये जानती हूँ कि ये तेरे सुख का सवाल नहीं है, ये तो देश की रक्षा का सवाल है, प्रजा के कल्याण की बात है। तो फिर एक की आहुति से अनेक का भला हो तो और क्या चाहिए? लेकिन पिताजी कैसे होने देंगे? पिताजी तेरे जैसे थोड़े ही हैं, वे देश के लिए बड़ा से बड़ा त्याग खुशी खुशी कर देंगे। तो भी मैं विवाह नहीं करने दूंगी। पिताजी, क्या मेरे इरादे में आप भी रुकावट डालोगे? तेरी जैसी प्रिय पुत्री का भला कौन पिता यूं ही बलिदान करना चाहेगा? पर तो क्या मुंह में आकर आप देश रक्षा का सवाल भूल जाओगे? नहीं, कभी नहीं। मैं इसीलिए तो अपने हृदय को कठोर बनाकर तुझे खुशी खुशी मंजूरी देने आया हूँ। तो फिर इसी वक्त विवाह का नारियल भेजने का प्रबंध कीजिए। केसर, पुरोहित को बुलवा। अच्छा। वीर की पुत्री वीर ही होनी चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जिस उद्देश्य के लिए तू इतना बलिदान करने जा रही है वो पूरा हो। भगवान एकलिंग जी तेरा कल्याण करे। तारा ने ये त्याग बड़ी दूरंदेशी से किया है। देश रक्षा इसी तरह की जाती है भाई। पुरोहित जी, आप इस नारियल को प्रजापति मानसिंह जी को दे आइए। ईश्वर सिंह मुझे अपनी बेटी देना चाहते हैं और तारामती ने भी अपनी इच्छा से मुझे वर चुना है। हो तब तो शेर को काबू में लाने की अच्छी तरकीब सोची, लेकिन मानसिंह इतना मूर्ख नहीं है। इस नारियल को सर, मैं आपकी बात को काटता हूं, माफ कीजिएगा। गुलाम की नाकिस राय में आया हुआ नारियल राजपूत लोग कभी वापस नहीं किया करते, इसलिए आपको इसे जरूर स्वीकार कर लेना चाहिए। अच्छा, तारामती मुझसे विवाह करना चाहती है तो उसे रानी की तरह नहीं दासी की हैसियत से रहना पड़ेगा। अगर यह शर्त कबूल हो तो शादी मंजूर है। जो हुक्म महाराज। बेटी, दुनिया के सारे काम ईश्वर की इच्छा से ही होते हैं, तू इसका दुख क्यों करती है? क्या हुआ, नारियल ले लिया? नारियल तो ले लिया, लेकिन क्या मानसिंह ने तारामती को
दासी की हैसियत से रखना मंजूर किया है। क्या कहा? दासी? कान खोलकर सुनो। पिताजी दुखित न होजिए, मुझे दासी बनना मंजूर है। जी जी, ये क्या जूते लिए क्यों खड़ी है? डाल दे नीचे इन्हें। ये मेरा व्रत है, मुझे इसे पालना ही चाहिए। गणपत, ओ गणपत, मैंने कल से शिकार को जाने के लिए कह रखा है, इतने पर भी अब तक किसी चीज का ठिकाना नहीं। तैयारी हो गई या नहीं? सारी तैयारी हो चुकी है सरकार। आपके पोशाक पहनने की देर है। घोड़े निकाल लिए बाहर? जी सरकार। कुत्ते भी छोड़ दिए? हाँ सरकार। तो खड़े खड़े क्या ताक रहे हो? जाओ जल्दी करो। तलवार नहीं मिलती? तुम सबको तो चाबुक मार के निकाल देना चाहिए। पिताजी, ये जुल्म मुझसे एकदम नहीं देखा जाता। क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ जीजी को दासी की तरह ही समझा जाता है और जूती की तरह बरता जाता है। क्या आप इसे सह सकते हैं? तो मानसिंह ने अपनी शर्त वहां की पूरी करके दिखाई। तारामती सचमुच स्वर्ग की देवी। हे भगवान, इन अत्याचारों को सहने की उसे शक्ति दीजिए। धन्य तारा तेरी देशभक्ति को। एक लिंग जी तेरी सहायता कर। कपड़े उतार दूं? तू यहाँ? दासी सेवा के लिए आई है। दासी सेवा के लिए आई है, पर बुलाया किसने? जा, मुझे तेरी कुछ जरूरत नहीं है। पर यहाँ आपकी खिदमत के लिए तो कोई नहीं है। क्यों नहीं? मैंने उनसे मना कर दिया था। मना कर दिया था? तू मेरे हुक्म की गुदूली करने वाली कौन है? आपकी दासी पर उनकी मालकन। मालकन नहीं, दासी। ऐसी मुसीबत है, दो दिन को मन बहलाने शिकार में आया कि यहां भी तू बला की तरह पीछे लगी हुई चली आई। आपने ही तो मुझे दासी बनाया है। अगर मैं उस दासीपन के अपने फर्ज को पूरा नहीं करूंगी तो आपकी शर्त कैसे पूरी होगी?
कौन है रे? अभी इसी वक्त डेरा तंबू उखाड़कर गांव को लौट चलो। नीम बहादुर उठ, तेरा शिकार कहाँ है? शिकार? तो तेरा ही शिकार कहाँ है? पहले तू तो अपना दिखा। नहीं, पहले मैं तेरी बहादुरी का नमूना देखूंगा। तेरी बहादुरी का नमूना तो देख, आंखें खोल के। अब अपना कर्तव्य दिखा। अरे सच्चे वीर पुरुष तेरी तरह नन्ही सी पिद्दी पर अपनी बहादुरी नहीं दिखाते। मैं तो शेर का शिकार किया करता हूँ, शेर का। अरे जाने दे यार, एक छोटी सी चिहिया तो मारी ही नहीं गई, चला शेर का शिकार करने। क्यों है तेरी इस मर्दानगी पर? मर्दानगी? मर्दानगी कैसी? तू तो चिड़ी मार है, चिड़ी मार। मुझे देख, मैं बैठा बैठा ही। तेरी सारी शेखी देख, लंबी बातें करने वाले। चल बे बात बहादुर, चिड़िया मार कहने वाले। बोल तो सारी खुल गई, अब करता क्यों है शोर? तू है चुगली खोर। तेरी सच मुशामत आई, जल्दी अपनी खैर मना ले। चल बे बात बहादुर, चिड़िया मार कहने वाले। बाप न मारी मेल थी और बेटा तीरंदाज। तूने क्या कर्तव्य दिखलाया? चुप बे जुबा दराज। बैठे बात बनाते तुझसे माल मलीदा चरने वाले। चल बे बात बहादुर, चिड़िया मार कहने वाले। मुझको अगर गुस्सा चढ़ो तो रहे न तेरी खैर, निकल कचूमर जाएगा। गर मैं रख दू पैर। हाँ। चल अपना रास्ता ना, है तुझसे बहुत से देखे भाले। चल बे बात बहादुर, चिड़िया मार कहने वाले। तेरी सारी शेखी देखी, लंबी बातें करने वाले। अच्छा तो चल, उठ, छावनी की तरफ चले। मालिक अपनी राह देख रहे होंगे, उन्हीं के सामने आज तेरी मैं खूब फजीहत करूंगा। जा रे। मालिक अच्छी तरह जानते हैं कि सच्चा शूर कौन है। पर हम लोग इस वक्त हैं कहां? होते कहां? ओ भाइयों, क्यों भाई, इस वक्त हम कहाँ हैं? होते कहाँ, मृत्युलोक में हो।
अबे ये बात नहीं पूछ रहे, हमें जानना ये है कि हम किधर को जाएं। हाँ, ये मुझे क्या मालूम, तुम इतना भी नहीं जानते कि जाओगे किधर। हंसता क्यों है, देखता नहीं हम लोग कौन है। होते कौन आदमी हो। कभी नहीं, कभी नहीं, हम लोग हाकिम हैं, हाकिम। हाँ, ये बात है। तो हाकिम आदमी नहीं होते, ये फर्क मेरी नजर में नहीं आया था। अच्छा तो सुन सुन, सीधे से हमें प्रजापत मान सिंह जी की छावनी तक पहुंचा दे। शिकारियों की छावनी को पूछते हो। हाँ। वो तो कभी की उठ गई, अब वो तो गांव में जा पहुंची होंगी। गणपत, आखिर घोटाला कर दिया ना, ये सब तेरे शिकार की करतूत है। नहीं जनाब, ये आपकी नींद की कारस्तानी है। खैर तो चलो, सवारी तो मिलने से रही, अब इन चरण कमलों को ही तकलीफ देनी पड़ेगी। अपनी फर्ज अदायगी की कुर्बानी कहते हैं। जी जी, मैं तुम्हारा ये ज्ञान अब नहीं सुनना चाहती। अब से तुम्हें इस मकान में ऐसी बुरी हालत में मैं कभी नहीं रहने दूंगी, और न दासी का काम ही करने दूंगी। अच्छा अच्छा, पर मैं नहीं मानूंगी। चल। अरे क्यों, बैठो यहाँ, तुम्हारे लायक यही जगह है। जीजा जी, क्या आपको जीजी का अपने मान के मुताबिक उचित जगह पर बैठना अच्छा नहीं लगता? क्या आपको इसे अपना हक काम में लाते हुए देखना पसंद नहीं है?
मेरी बहन दासी के बर्ताव की जोक है। केसर, मैं यहाँ की रानी ही हूँ। जीजा जी, आप ये अच्छी तरह जान रखिए कि मेरी बहन यहाँ की दासी नहीं, रानी है। मुझे परेशान न कर, तू मुझे शांति से लेटने देगी या नहीं? लेटिए, शौक से लेटिए। मैं तो आपको आराम पहुंचाने के लिए पैर दबाना चाहती हूँ। मुझे पैर दबाना पसंद ही नहीं तो तू क्यों जिद करती है? जा मेरी नजरों के सामने से। आप मुझे देखना भी नहीं चाहते? अच्छा, तो आप मेरी तरफ न देखिए, पर पैर दबाने में क्या नुकसान है? दासी का धर्म तो आपकी सेवा करने से ही सार्थक होता है। बस हो गया सार्थक, जा निकल यहां से। क्या नहीं जाती? जा यहां से। प्रभु के नाम पे हम को भी कुछ इलाज जना, हम को भी कुछ इलाज जना। गरीब परवर कर ना है बड़ा भार, कहाँ है मुखिया जी? मुझे इस गरीब का इंसाफ कराना है। कौन बलदेव जी, क्या माजरा है? प्रजापति, मैं इस गरीब का इंसाफ कराने आया हूं। आपके मूचड़े हाकिम करण सिंह ने इस बेचारे पर जुल्म किया है। क्या कहा? करण सिंह ने जुल्म किया? हाँ, मैं ये कभी नहीं मान सकता। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? सरकार, करण सिंह जी पधार गए।
आओ आओ करण सिंह जी, तुम आने भी न पाए थे कि पहले ही एक तुम्हारी शिकायत आ गई। इसे पहचानते हो? मैंने तो इसे पहले पहल यही देखा है सरकार। अरे रे, बड़ा गरीब है बेचारा। ये तो अंधा है। क्यों रे लड़की, अरे इसके तो खून बह रहा है। दुनिया में बेचारे गरीबों पर कितनी मुसीबत है। अरे जरा बेचारी का जख्म तो धो दे और इसे कुछ पैसे दिला दे। हाँ ले जाने दो उसको। तुम तो कहते थे करण सिंह ने उस गरीब पर जुल्म किया है। जुल्मी क्या मजलूम पर कभी रहम भी दिखा सकता है? प्रजापति, ये इसकी सरासर मक्कारी है। इसने सरेआम कितने ही आदमियों के सामने ये जुल्म किया है। आपकी दोस्ती का दम भरने वाले ही गांव में ये साजिश करते हैं कि अपना प्रजापति बदमिजाज और अत्याचारी है। मेरे खिलाफ साजिश और मेरा दोस्त बलदेव ही करता है? जी हाँ। झूठा मक्कार, मेरे सामने ही सरासर झूठ बोल रहा है। बलदेव सावधान, मेरे कर्मचारी का इस तरह अपमान न कर। बलदेव अपने मित्र ही हैं, मैं मित्र की दी हुई गालियों का बुरा नहीं मानता। देख, तू ऐसे दिलदार और भले आदमी के खिलाफ झूठी शिकायत गढ़ के लाया है, तुझे शर्म आनी चाहिए। प्रजापति, इस खुशामत से अपना फर्ज न भूलिए। इस पाजी और जालसाज की बातों में ना आइए। जानता नहीं तू किसके आगे ऐसा बोल रहा है? जी हाँ, मैं अपने एक मित्र को झूठे और आस्तीन के सांप से खबरदार करने आया हूं। करण सिंह जैसे अत्याचारी आदमी को इज्जत और रुतबे पर चढ़ाकर आप प्रजा के साथ सरासर अन्याय कर रहे हैं। इसी से तो प्रजा आप पर नाराज है। पर उसे भड़काता कौन है? बलदेव, मैं तेरी चालाकियों को अच्छी तरह समझता हूं। प्रजापति, यह मेरे ऊपर झूठा इल्जाम है। जबान बंद कर पाजी। प्रजापति, मुझे आपस के मेल को किसी तरह भी टूटने नहीं देना है, इसलिए झगड़े को यही खत्म कर देने के लिए मैं यहां से जाता हूं। ठहर, नालायक जाता कहां है? पकड़ो इस नीच द्रोही को। दगाबाज। मैं दगाबाज? हाँ। नीच? हाँ हाँ। द्रोही? हाँ हाँ, बेशक। अच्छा, इसको मनमन भर की हथकड़ी बेड़ी पहनाकर कैद खाने में डाल दो। भैया जी, यह कैसी आफत? बहन, ये भी अपनी परीक्षा की एक कसौटी है। दुख न करो बहन, तुम्हारे पुण्य का फल भला ही करेगा। अभी तो तुम्हारी तपस्या की शुरुआत है। लेकिन मैं तो प्रजापत की आदत को कुछ भी नहीं बदल सकी। इतने में ही दिलगिर मत हो। तुम्हारे जैसे शांत और समझदार आदमी को अगर कैद में डाल दिया गया तो? अगर मुझ जैसा एक आध आदमी न भी मौजूद रहेगा तो हर्ज ही किस बात का है? तब इससे अच्छा तो ये होगा कि तुम्हारी बजाय जो आदमी इतने जुल्म और जबरदस्तियां कर रहा है उसे ही अलग कर दिया जाए। लेकिन केसर,
देशहित की दृष्टि से किस व्यक्ति का महत्व कितना बड़ा है इसका भी तो विचार करना चाहिए। देशहित की दृष्टि से बड़ा व्यक्ति कौन है इसका निर्णय तो देश ही करेगा। तुम्हारे जैसे सीधे से कारखाने को चले जाने वाले के लिए ये सवाल नहीं है। केसर तुम अभी नादान हो। प्रजापति ने बलदेव को कैदखाने रसीद कर दिया ये सजा सोल आने और पाव रसी दुरुस्त हुई है। बोलता है तब बेवकूफी से ही बोलता है। मेरी समझ से इससे भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। है उससे भी अच्छा होता एक ही हाथ में दो टुकड़े। बलदेव जी कैद हो गए। चलो चलो, चलो, चलो। जाता है ये छूट कैसे गया। अरे इसे छोड़ किसने दिया। सिपाही कहां गायब हो गए तो टुकुर टुकुर क्या देख रहा है। तारा को दासी बनाकर तो आपने ठीक ही किया। यही तो होना उचित था। तारामती दासी के काबिल। सरकार बलदेव छुटकर भाग निकला। सरकार बलदेव छुटकर भाग निकला। क्या कहा? बलदेव भाग निकला? हाँ। कैसे? गांव के लोगों ने जबरदस्ती छुड़ा दिया। लोगों ने छुड़ा दिया? हाँ। लोगों ने छुड़ा दिया। सरकार मैंने तो पहले ही कहा था कि सारे गांव को बलदेव ने बागी बना दिया है। करण सिंह बलदेव को छुड़ाने वाले सारे लोगों को गिरफ्तार कर लो। अगर कोई गड़बड़ करे तो एकदम कत्ल कर दो और बलदेव को फिर गिरफ्तार कर लो। जाओ। ये क्या है? थोड़ा सा शरबत बनाकर लाई हूँ। इसलिए
आपके पीने के लिए। मुझे तेरे शरबत की कुछ जरूरत नहीं है, जा यहां से। देखती नहीं मैं तेरे ऊपर नाराज हो रहा हूं? तो मैं कर ही क्या सकती हूं? तू ही मेरे ऊपर नाराज हो जा। नहीं, कभी नहीं, ऐसी ना समझी मैं नहीं कर सकती। और सती नारी का तो ये धर्म ही नहीं है। सती का धर्म? सती का धर्म क्या बला होता है? जा यहां से। शरबत नहीं पिया, महज इतनी सी बात पर रोने लगी? तो ला इधर। करूं आपका ये गुस्सा? पर इस वक्त तो मैंने तुझ पर इतना गुस्सा नहीं किया। ये देख, अब तो तेरी इच्छा पूरी हो गई। हो गई, लेकिन जहां बातचीत में मधुरता नहीं, आंखों में प्रेम नहीं, वहां इस तरह इच्छा पूरी होने में भी क्या है? जाने क्या भूल गई, मधुरता, प्रेम, आनंद, ये सब क्या है? आप नहीं जानते, जानकर करेंगे भी क्या? पर तू बता तो सही, ये प्रेम, मधुरता, आनंद, ये सब क्या है? ये बताने की चीज नहीं है, इन्हें महसूस किया जाता है। आपके सामने पूंछ हिलाकर कुकू करने वाले कुत्ते तक को आप पुचकारते हैं, उसकी तरफ मोहब्बत से देखते हैं, मीठी आवाज से उसे पुकारते हैं। इतना प्यार भी मुझे भागने को कभी नसीब नहीं हुआ, पर इसमें आपका क्या दोष? ये सब मेरी खोटी किस्मत का लेख है। तारामती, थोड़ा सा शरबत और ले आ। दलपत, महाराज को बागे आदमियों की गिरफ्तारी की खबर दी? महाराज अभी जनाने भूल गया, महाराज इस वक्त जनान खाने में है। महाराज जनान खाने में कब से रहने लगे? अच्छा, तो बाहर आने पर मुझे खबर देना। प्रेम, मधुरता, आनंद, प्रेम, मधुरता, आनंद, प्रेम, मधुरता, आनंद, आज तेरी तरफ मेरा दिल एकाएक क्यों खिंचा जा रहा है? आज तू मुझे अपनी से क्यों मालूम हो रही है? इस खिंचाव और अपनापे को भला क्या कहते हैं?
इसी का नाम तो प्रेम है। क्या इसी को प्रेम कहते हैं? तेरे हाथ का ये शरबत आज मुझे बड़ा मीठा मालूम होता है। इसी को मधुरता कहते हैं। क्या यही मधुरता है? आहा, कितना अच्छा मालूम हुआ। इसे क्या कहते हैं तारा? यही आनंद है। बस यही आनंद है? तब तो मैं प्रेम, मधुरता, आनंद इन तीनों बातों को जान गया। तारा, आज मैं पूरे स्वर्ग सुखों के आनंद का अनुभव कर रहा हूं। आज तक की मेरी फतेहयाबियों में भी मुझे ऐसी खुशी नसीब नहीं हुई थी। मैं तेरा कितना बड़ा कसूरवार हूं। मैंने तेरे साथ कैसे कैसे बुरे बर्ताव किए हैं, पर जाने दे इन पिछली बातों को। आ इधर, मैं तुझे आज से दिल भर के प्यार करूंगा। पकड़ा गया बलदेव? सब जगह नाकेबंदी तो कर दी है, तलाशी भी जारी है, आप पकड़ा ही समझिए। अच्छा, बड़ा मीठा गाना गाया तुमने। कितना सुंदर गला है। किसर, तेरा गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। तू भी बड़ी अच्छी लगती है।
जिस तरह मुझे तो अच्छी लगती है उस तरह क्या मैं भी तुझे अच्छा लगता? मेरा रूप, मेरे हुनर, मेरी बहादुरी। ये सब तुझे जरूर अच्छे लगने चाहिए। बता, मुझसे तू प्रेम करती है? प्रेम? मेरा प्रेम, तेरा प्रेम, मेरा तुझ पर प्रेम है। बेशरम कहीं को। जीजाजी, जीजाजी, आपका ये मकान रहने का घर है या लुच्चे लफंगों का अड्डा? उस पाजी करण सिंह को इसी वक्त निकाल बाहर कीजिए। क्या हुआ कैसर? ये उसी मुए से पूछिए, जिस घर में ऐसे गुंडे बसे उसमें मैं एक पल भर भी ठहरना नहीं चाहती। मैं अपने पिता के घर जाती हूँ। कैसर, कैसर, जरा ठहर तो। अरे करण, केसर को क्यों नाराज कर दिया? आ हुजूर, मैं बलदेव को पकड़ने गया था, बस इसी पर केसर मुझे गालियां देने लगी। ये बात है। आ सरकार, मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी है। मैं अभी आता हूँ। आई लौट कर केसर? नहीं, वो मेरे पहुँचने से पहले ही निकल गई। क्या निकल गई? आप इसका कुछ ख्याल न करें। अच्छा, तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। प्रजापति जी, सारे आदमी पकड़ लिए गए। बहुत अच्छा हुआ। सिर्फ बलदेव अभी हाथ नहीं आया है। क्या कहा? बलदेव अभी तक हाथ नहीं आया? हाँ सरकार, मैंने सारे रास्तों पर बेहद कड़ा पहरा बैठा रखा है। आखिर तो वो गांव में ही होगा। आज रात को मैं खुद गांव में घूमकर तलाश करूंगा। सरकार, सारे गांव में खूबनाक बेचैनी फैली हुई है। हमारे खिलाफ छिपे छिपे साजिश शुरू हो गई है। तब तो गारत की और भी कड़ाई से गश्त होनी चाहिए। आपस के झगड़े में ही सारा वक्त न गवा देना। ये तो इनके जन्म का ही गुण है, एकाएक थोड़े ही चला जाएगा। सिंह ने तो सब जगह जुल्म कर दिया है। इसे आप मुखिया के होते से पकड़ो। मानसिंह का निष्पन हो दे। पाप का घड़ा भरा कि मानसिंह छोड़, मानसिंह का पाप भी। पकड़ो इन बदमाशों को। तो अब ये तय हुआ कि आज से मानसिंह हमारा मुखिया न रहा। क्यों? जैसा आप लोगों को अच्छा लगे।
पकड़ो इन हरामखोरों को। बताओ बलदेव कहाँ है? मुझे जाने दे। इस हालत के समय तुम्हारा बाहर जाना कभी ठीक नहीं होगा। क्या बलदेव का पता नहीं बताओगे? अच्छा तो ले जाओ इन सबको कैद खाने में। दलपत गणपत सारा मकान घेर लो, बलदेव यही मिल जाएगा। कहो सरदार, क्या मामला है? जान बची, लाखों पाए। कहाँ है मुखिया? मुखिया कहाँ है? बताओ ये तुमने क्या कर डाला? अपनी समझ को कहां गवा दिया? तुमने सच्चे दोस्तों को ही दुश्मन समझ लिया और सारी प्रजा पर जुल्म कर रहे हो? ऐसे जुल्म करते हुए तुम्हारी छाती नहीं दहलती? याद रखो, जुल्मी के जुल्म खुद जुल्मी को ही खा जाते हैं। चुप रहे छोकरी, तेरी जैसी जरा जरा सी लड़कियों से मुझे सलाह नहीं लेनी। इस गांव में अब तुम्हें सच्ची सलाह देने वाला रही कौन गया है? सारा गांव तो तुमने उजाड़ डाला, अब यहाँ मुझ जैसी जरा जरा सी लड़कियां और रोते हुए अनाथ बच्चे ही बाकी रह गए हैं। केसर केसर चुप रहे, चल एक तरफ को। सारा गांव तो जलकर खाक हो गया और फिर भी कहेगी चुप रहे। तो यहाँ से बाहर चल। मुखिया साहब अपने गुस्से का अब अनाथ बच्चों, दुर्बल दरिद्रों और रोती तड़पती आपदाओं को और शिकार बनाइए और सबके बाप सुनसान स्मशान पर सुखे साथ राज्य कीजिए। बैठ यहां। क्या
आप केसर की बातों का बुरा मान गए? वो अभी नादान है, जो मुंह पे आता है बिना विचारे कह डालती है, उस पर गुस्सा न कीजिए। पर मैं भी आज आपके सामने थोड़ी सी धिताई करना चाहती हूँ। देखिए, अब आपको ऐसे अनर्थ कतई बंद कर देने चाहिए। अगर मैं अपनी बात वापस ले लूं, तो फिर मेरा बड़प्पन ही कैसे रहेगा? आपका बड़प्पन भला अत्याचार और जुल्म करते हुए कैसे कायम रह सकेगा? मुखिया का बड़प्पन तो रियाया की हिफाजत करने और आपस का मेल बनाए रखने में है। मुखिया और प्रजा, सेनापति और सेना, इनमें जब प्रेम भाव ही न रहा तो फिर दोनों किसके सहारे कायम रहेंगे? एक के बिना दूसरे का उपयोग ही क्या? बहादुर लोग जन्म से ही बड़े होते हैं। मुखिया के ओहदे की मैं किसी से भीख मांगने नहीं गया था। लोगों ने अपनी गरज देखकर खुशामद और इज्जत देते हुए मुझे अपने आप ही ये पद दिया है। तो क्या इसका ये मतलब नहीं हुआ कि लोगों ने ही आपको ये बड़प्पन दिया? अपने मकान की इस छत की तरफ देखिए, ये खंभों के सहारे खड़ी हुई है। इसी तरह आपका मुखियापन तभी तक कायम है जब तक प्रजा के लोग आपके साथ हैं। फिर क्या शूरवीरों की शोभा अन्याय और अत्याचार हुआ करते हैं? सारी प्रजा को कैद खाने में डालकर सबको बेजुबान बना देने में बहादुरी है? तो मुझसे क्या करने को कहती हो? यही कि सबको इसी दम छोड़ दीजिए। अगर इससे वो सिर पर चढ़ने लगे तो? नहीं, ऐसा कभी न होगा। दया का बर्ताव भयानक से भयानक आगों को बुझाने में पानी का काम देता है। जगत प्रेम ही से जीता जाता है। सच है, सच है। मेरे तीखे मिजाज को आखिर तुमने अपने प्रेम से ही तो ठंडा किया है। तो जाइए इसी दम, ज्यादा सोच विचार में न पड़ी जाइए, मेरे लिए, मेरे प्रेम के लिए। नहीं नहीं, अगर मैं जाऊंगा भी तो तेरी या तेरे प्रेम के दोहाई से लाचार बनकर न जाऊंगा। तेरे अमृत से उपदेशों ने मेरे जलते हुए मन पर शांति का पानी सींचा है, इसलिए मैं खुद सबको छोड़ने जाता हूं। तेरे अनोखे प्रेम की कीमत तो इससे भी बढ़कर होगी। करण सिंह, जाओ सबको छोड़ दो और अब से पकड़ धकड़ भी बंद कर दो। मुखिया जी, सरकार अब ये क्या फरमा रहे हैं? फरमा वरमा कुछ नहीं रहा हूं, अब मुझे अपनी गलती मालूम हो गई है। आपकी गलती? किसने कहा ये आपकी गलती है? ज्यादा बहस न करो, जैसा कहा है उस पर आंखें बंद करके अमल करो। मैं अभी बड़े कैद खाने की तरफ जाता हूं और ठाकुर ईश्वर सिंह वगैरह को छुड़ा कर लाता हूं। जी जी, जीजा जी कहां गए मालूम है? वही तो मैं तुझे बताने आ रही थी। ये कितने आनंद की बात हुई। प्यारे प्यारे आवेंगे आनंद दिन, अब प्यारे प्यारे आवेंगे आनंद दिन, लावेंगे कान बदल, अब प्यारे प्यारे आवेंगे आनंद दिन, घर घर मंगल गाने होंगे, घर घर मंगल गाने होंगे, सारे Ha ha ha!
प्यारे प्यारे आवेंगे आनंद दूंगा अब प्यारे प्यारे आवेंगे प्यारे प्यारे आवेंगे आनंद दूंगा घर घर मंगल गाने होंगे घर घर मंगल गाने होंगे सारे साथ दरबार प्यारे प्यारे आवेंगे आनंद दूंगा अब प्यारे प्यारे मुखिया को दूर कर देने के सिवा मुझे तो कोई दूसरा उपाय सोच नहीं पड़ता। पर ये ठाकुर ईश्वर सिंह जी को कैसे अच्छा लगेगा? अवसर ही ऐसा आ पड़ा है कि मुझे आप लोगों का इरादा मान लेना चाहिए। देखो भाइयों, आप मान सिंह जैसे नरपिशाच को क्या कहा? मैं नरपिशाच हूं, मेरी प्रजा होकर मेरे ही निंदा, मेरे ही खिलाफ साजिश। हां, तेरे खिलाफ साजिश की हम निंदा न करेंगे तो क्या कैद होने के एवज में तेरे गुणों का बखान करेंगे? अच्छा, तो दिल खोल कर निंदा करो। इस वक्त मैं तुम पर मेहरबानी ही करूंगा, तुम सबको छुटकारा दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त पर? कौन सी शर्त पर? शर्त ये होगी कि तुम लोग अब से मेरे खिलाफ साजिश न करोगे। इसकी तुम्हें कसम खानी पड़ेगी, बस उसी दम मैं तुम्हें छोड़ दूं। आप तो बड़े महात्मा बन गए दिखते हो। मान सिंह, तुझमें कुछ आदमियत भी है या नहीं? आदमियत? तुम पर दया दिखाने मैं खुद यहां तक चला आया, ये क्या कम आदमियत है? खुद अन्याय और अत्याचार करके माफी मांगने के बदले कसम खिलाता है, सबके साथ दगाबाजी करके हमको उसका जिम्मेदार बनाता है। हमने जो तुझे अपने सिर पर चढ़ाया उसका इस तरह बेजा फायदा उठाना चाहता है। कितने नालायक हो तुम लोग, इस तरह की लानतें देकर तुम मेरी दया ठुकराते हो। थू है तेरी इस दया पर। इस पागलपन का क्या अंजाम होगा जानते हो? चुप, तू जैसे नीच से अब कोई नहीं डरता। अगर इससे आगे एक लफ्ज भी कहा तो अभी जबान निकाल लूंगा। जबान छोड़, अगर जान भी ले ले तो भी हम तेरी कुछ परवाह न करेंगे। जा यहां से, कर अपना मुंह काला। मुंह काला? इतनी हिमाकत? अरे कौन है रे? कल सूरज निकलने से पहले ही इन सब का सिर काट लो। सुबह ही मेरे मकान के दरवाजे पर इन सब के मुन लटकते हुए दिखाई देने चाहिए। जीजी, जीजी कितना अच्छा हुआ सब कैसे छूट गए। ये तेरे ही कठिन बलिदान का मीठा फल है। नहीं बहन, ये भगवान एकलिंग जी की दया का फल है। बलदेव अभी पकड़ा गया या नहीं? पकड़ा ही समझिए, कल मैं सारे कैदियों के सर उड़वा दूंगा। बाजी कहीं के इससे बाकी रियाया को यह नसीहत हो जाएगी कि मानसिंह के खिलाफ जाने वालों का अंत मौत ही है।
तारा, तेरी बात रखने के लिए मैं सबको छोड़ने गया था, लेकिन वो सब इतने पाजी हैं कि अब मैं बिना सबको प्राण दंड दिए कभी नहीं मानूंगा। अब फिर वही आदत, बस एक शब्द भी न बोल। लेकिन इससे तो आपस की मेल को फिर धक्का पहुंच जाएगा। जहन्नम में गया तेरा मेल, अब मैं अपनी बात पूरी ही करूंगा। बाजी कहेंगे कल मरने वाले उन कैदियों को आज ही मरने से पहले पानी वानी पिला देना। जो हुक्म। मैंने अच्छी तरह जांच लिया है, जाने दो इन्हें। क्यों भाई, क्या सोच रहे हो? यहां से बाहर निकलने की तरकीब। तू यहां? होना चाहता है। हम भी तो उसी का विचार कर रहे हैं। इस वक्त एक एक लहमा कीमती है, जल्दी विचार कीजिए। विचारेंगे क्या, कलेके की कुर्बानी हो जाएगी या हमारी कुर्बानी करने वाले की कुर्बानी हो जाएगी? इसका मतलब मानसिंह की हत्या। हाँ, हत्या ही होनी चाहिए। मानसिंह की हत्या? मानसिंह की हत्या का मतलब? तारा तो पिताजी, बेटी बड़ी या देश? बेटी, देश ही बड़ा है, लेकिन जिसने देश के लिए अपना सब कुछ भोग डाला, उसकी किस्मत में आखिर ये इनाम
भाइयों, देश के लिए मैं आपका ये इरादा मंजूर करता हूँ। पर ये काम कौन करेगा? अपने आदमियों में से बलदेव ही बाहर है और वही इस काम को कर सकता है। केसर, तू भी उनसे इस काम को आसानी से करने के लिए कह सकती है। बेटी केसर, तारा को मेरी तरफ से तू भला क्या सफाई देगी? उससे कह देना तेरा बाप अब पूरा कसाई बन गया है। जिन हाथों से उसने एक दिन तेरे स्वाग का आशीष दिया था, उन्हीं हाथों से आज वो तेरे स्वाग का सिंदूर पूछ लेना चाहता है। कर डालने का हुक्म दिया है। क्या कहा? सबका कत्ल? इसलिए इस अनर से पहले प्रजापति का ही नाश कर डालना निश्चय हुआ है और उसकी हत्या का भयंकर काम तुमको सौंपा गया है। ये तो क्या कहती है केसर? बहन तारामती को मैं विधवा बनाऊंगा, ऐसा पाप मुझसे कभी नहीं होगा। लेकिन संकट इतना भयंकर है कि तो क्या तारामती की सुहाग की चूड़ियां मैं फोड़ दूं? अगर तुम अपने कर्तव्य से पीछे पैर रखोगे तो हजारों सुहागिनों की चूड़ियां फूट जाएं, एक के बचाव के लिए हजारों का नाश हो जाएगा। भगवान, जिसने सारे देश के लिए अपने को होम लिया, उसके माथे की बिंदी मैं बिसान दूं, ये ख्याल भी मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो क्या मुझे इसकी खुशी है? क्या पिताजी को इसका आनंद है? पर वक्त ही इतना संगीन आ पहुंचा है कि बिना ये काम किए सबकी रक्षा हो ही नहीं सकती। हे भगवान, तू कितना निर्दयी है। अगर तुमने इस वक्त जरा भी बुजदिली दिखाई तो सारा गांव सुबह ही स्मशान बन जाएगा और इसका पाप तुम्हारे माथे मढ़ा जाएगा, क्योंकि प्रजापति अपनी बात पूरी किए बिना नहीं मानेगा। अच्छा, तो मैं जनता की आज्ञा स्वीकार करता हूं। पर तारामती को उसकी इस विपत्ति का समाचार जरूर मिल जाना चाहिए। मेरे जरिए उसके साथ विश्वासघात का व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो ये काम कौन करेगा? तुम? मैं? दूसरा कौन है तुम्हारे सिवा? अच्छा,
ये क्या? मैं तुझे एक बुरी खबर सुनाने आई हूं। उससे सुनते ही तू इस तलवार से अपनी केसर का सिर काट डालना। बात क्या है केसर, खोलकर क्यों नहीं कहती? इस वक्त सभी के सामने ये सवाल है कि तेरा सुहाग रहे या देश का। इसका मतलब? सब देशी देशों की एक राय ये हुई कि सबको बचाने के लिए प्रजापति का ही नाश कर डालना चाहिए। मेरे पति का नाश? तारामती के जीते जी उसके पति की हत्या करने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। पर बहन, इस वक्त व्यक्ति का सवाल नहीं, समाज के सुख दुख का सवाल है। जी जी, एक दिन तूने ही देश को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी की थी। हाँ, उस वक्त तेरी ये जीजी कुंवारी थी, आज वो एक पतिव्रता पत्नी है, इसलिए आज उसे अपने पति को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देना चाहिए। लेकिन चुप, एक शब्द भी न कह। अब मेरा तेरे ऊपर से भी विश्वास जाता रहा, हट जा मेरे सामने से। प्रजापति, सब लोगों को छोड़कर अपने कुकर्म की उनसे क्षमा मांग लो, वरना तुम्हारा अंत आ पहुंचा, समझे? मुझे मारने वाला अब है ही कौन? सारे लोग तो मेरी कैद में ही हैं। अत्याचारी कंस को भी यही दिखाई देता था, पर उसका शत्रु कैद खाने में ही पैदा हो गया था। तू मुझे धमकाती थी? नहीं, मैं तो आपको। चुप मकार, मैं समझ गया, तू अपने पिता की कैद का बदला लेना चाहती है। नहीं नहीं, इस वक्त पिता से आप ही मुझे ज्यादा प्यारे हैं। मैं तो आपको दुश्मनों से सावधान करने आई हूँ। सावधान करने आई है, झूठी। याद रख, मेरी ताकत मुझे छोड़ नहीं गई है। कोई है? कोई है? चुप, कोई है? कौन? करण सिंह। अच्छा, इस दगाबाज औरत पर कड़ी नजर रखो और कल सबके साथ इसका भी खात्मा कर दो। ये तो अच्छा ही होगा, लेकिन आप दुश्मनों से सावधान रहिए। बस बस, ले जाओ इसे। दुश्मनों से सावधान रहिए, सावधान रहिए, सावधान रहिए, सावधान रहिए। हट एक तरफ। तारा, तेरे जैसे अनमोल रत्न का मानसिंह की नादानी से नाश हो, छह ये ख्याल भी मुझे बर्दाश्त नहीं होता। चुप, हट, मेरा रास्ता छोड़। हाँ, अब एक ही रास्ता है, तू मेरी हो जा, नहीं तो तेरे तेरे पिता के और तेरे पति के भी प्राण मेरे हाथ में हैं। तारामती के जीते जी उसके पति की हत्या करने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। Ah!
सुमति के जीते जी उसके पति की हत्या करने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। की हत्या करने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। Ah!
हत्या करने की हिम्मत। प्रजा को कष्ट पहुंचाने वाले कंटक, मरने के लिए तैयार हो जा। कौन बलदेव? तुम आए हो? बड़ी खुशी की बात है। तारामती के जीते जी उसके पति की हत्या करने की हिम्मत किसी में भी नहीं। मानसिंह, इस खून की तरफ तनिक आंखें खोल कर देखो। जिसने सारे देश के लिए अपने सर्वस्व का बलिदान कर दिया, ये खून उसी स्वर्ग की देवी का है। तारा का खून? एक तारा का खून देखकर ही तुम्हारा दिल दहल उठा, करुणा के आंसू भर आए। अब मुझे बताओ, ऐसा ही दुख दूसरों को भी होता होगा? मेरे पति की हत्या। इस घड़ी के आने तक तुम्हें दूसरों के दुखों का कुछ भी अनुभव होने नहीं पाया था। मैं सबसे बड़ा हूं, मेरी बात पूरी ही होनी चाहिए। बस बलदेव, इन सब अनर्थों को न दोहरा। अब मैं तुम्हें मुखिया पद को सौंपकर तारा को साथ में किसी एकांत स्थान में जाकर रहने लगूं। ऐसा क्यों कहते हो मानसिंह? तुम्हारे जैसे शूर योद्धा की देश को बड़ी जरूरत है। नहीं, मेरे जैसे क्रोधी और अहंकारी आदमी का मुखिया पद पर बहाल रहना देश के लिए किसी तरह भी फायदेमंद नहीं होगा। जाओ जाओ, तुम जल्दी जाओ। तुम अपने हाथों से ही गांव के सारे लोगों को कैद खाने से छुटकारा दो। मैंने सबको छोड़ दिया। मेरी तारा कहाँ है? घड़िया ये सुखदाये व्रत का फल पालिया, व्रत का फल पालिया, दुख में सुख पालिया, व्रत का फल पालिया, व्रत का फल पालिया। तारा की कुर्बानी कामयाब हुई। यह का तारा का आप में यज्ञ सफल हुआ है। तेरे इस कहने और मेरे कहने में बड़ा फर्क ही क्या है? जमीन और आसमान का। चुप रहे, कभी नहीं। मेरा कहा तुझे मानना ही पड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आप मुखिया पद से हटें ये इच्छा किसी की भी नहीं है। देश के सौभाग्य की रक्षा करने के लिए ये विजयी तलवार मैं आपकी भेंट करती हूँ। अब मैं समझ गया कि मुखिया को हमेशा प्रजा के साथ रहकर ही देश की रक्षा का काम करना चाहिए। ये सब तेरे ही कठिन बलिदान का मीठा फल है। बका नित हो बला सबका
हो बना अतीत ये ही सुख देवे हर सावे रवि हर 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 सनाया Share and subscribe to TV Next Bollywood.